हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजे टॉक्स। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि पिछले काफ़ी दिनों से मैं टेलीग्राम प्रीपेड टास्क स्कैम के बारे में अलग अलग वीडियोस बना करके आपको अवेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये कोशिश इसलिए है क्योंकि ये जो स्कैम है इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा भारी है। अब अखबारों में भी काफ़ी आम हो गया है इस तरह की खबरों का आना। अभी पिछले दिनों पुणे में एक ऐसी घटना हुई जहां पर एक आर्मी से रिटायर्ड पर्सन जो हैं उन्होंने 1 करोड़ रुपए खोए इस पूरे प्रीपेड टास्क स्कैम के तहत। उसमें से 60 लाख रुपए उनके जो रिटायरमेंट के बाद जो पैसे मिलते हैं, यानी कि उनके पूरे जीवन की कमाई का जो हिसाब किताब उनके रिटायरमेंट के टाइम पर होता है, वो सारा पैसा उन्होंने इसमें डाल दिया। और साथ ही 40 लाख रुपए उन्होंने अपने लड़के से उधार लेकर के इसमें लगा दिए। वापस क्या मिला? कुछ नहीं। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट में मुझे लिखते हैं, कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं कि अच्छा हुआ मैंने आपका वीडियो देख लिया और मैं इसमें फंसने से बच गया। कुछ लोगों के कमेंट ऐसे आते हैं कि अरे मैंने तो इतने कमा लिए, उनको लूट लिया, 300 ले लिए, 500 ले लिए, 1000 ले लिए, 5000 ले लिए। कुछ लोगों के कमेंट्स ऐसे आते हैं कि भैया हम तो थक गए, अब आप हमें बताइए कि हम क्या करें। तो तीन तरह की कैटेगरी के लोग मेरे वीडियोज़ में आते हैं और नीचे कमेंट्स करते हैं। तो सबसे पहले तो तीसरी कैटेगरी के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा संवेदनाएं हैं, दुख है कि उनका हार्ड अर्न मनी यानी कि उनका जो खून पसीने से कमाया हुआ जो पैसा है उसका नुकसान हो गया। तो ये खेल अब हजारों का नहीं है, ये खेल लाखों का है, करोड़ों का है। करोड़ों के भी कई सारे ऐसे विक्टिम्स आए हैं। गुजरात के भी एक विक्टिम थे, 1 करोड़ से ऊपर उन्होंने भी गंवाया दंपत्ति ने, और जैसा कि मैंने पुणे का बताया। इसके अलावा बहुत सारी स्टोरी सामने नहीं भी आई होंगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि इसमें लाखों लाख रुपए लोगों के लग रहे हैं। तो हाथ जोड़ के फिर से विनती है, टेलीग्राम प्रीपेड स्कैम, टेलीग्राम प्रीपेड टास्क स्कैम, टेलीग्राम मर्चेंट स्कैम, चाहे वो गूगल के नाम पे हो, चाहे अमेज़ॉन के नाम पे हो, बिटमैक्स के नाम पर हो, एरोस नाव के नाम पे हो, किसी भी बड़ी कंपनी के नाम का इस्तेमाल ये स्कैमर्स करके आपको टेलीग्राम पर ले जाते हैं। वर्क फ्रॉम होम के नाम पर, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के नाम पर आपसे लाखों लाख रुपए ठगते हैं। तो फिर से निवेदन है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, अलग अलग कैटेगरीज के मैंने अलग अलग वीडियोस बना रखे हैं ऑलरेडी, आपको ज़रूर वहां से मदद मिलेगी और आप जान पाएंगे कि भैया इस स्कैम में हमें क्यों नहीं फंसना है। अब बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमको भी वो टेलीग्राम ग्रुप दे दो, हमें भी वो व्हाट्सएप नंबर दे दो जहां से आपको लोगों ने अप्रोच किया था। क्यों? क्योंकि हम भी कुछ पैसे कमा लेना चाहते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो पूरी तरह से उन्हीं लोगों के लिए है, क्योंकि कई सारे लोगों से मैंने बात की है इस बीच में और कई सारी इस तरह घटनाएं निकल करके सामने आई हैं। उसमें से एक केस स्टडी आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें हमारे ही एक यूज़र ने हमें कॉल किया, हमें अप्रोच किया और बताया कि उनका जो अकाउंट है वो होल्ड पर चला गया है और उनके अकाउंट में -47,000 रुपीज़ का बैलेंस है। तो पहले मैं आपको समरी बता देना चाहता हूँ, फिर आप ऑडियो में सुन लीजिएगा वो सारी कहानी कि क्या बातचीत हुई। और उस बातचीत का निष्कर्ष ये है कि आपको उनसे 150 रुपये भी नहीं लेने। अगर गलती से ले लिए हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आप खुद चाहते हैं कुएं में कूदना और उसके बाद आप सोचते हैं कि आपका कोई बचाव करेगा, तो आई एम रियली वेरी सॉरी, कोई आपका बचाव करने वाला नहीं है। तो सबसे पहली चीज़, उनसे आपको एक भी रुपया नहीं कमाना है, बी इट 150 रुपीज़, 1000 रुपीज़ और 5000 रुपीज़। क्यों? क्योंकि आप में से कई सारे लोग ये सोच रहे हैं कि चलो फ्री वाला तो कमा लें, 1000-2000 रुपये की कमाई हो जाएगी, लेकिन बाद में जो रगड़ाई होगी उसके बारे में क्या। ऐसा ही हुआ इन भाई साहब के साथ में। तो आज की कहानी जिनकी है, उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उनकी कहानी कुछ इस तरह से थी कि फरवरी में उनके पास एक व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि आपको करना कुछ नहीं है, वर्क फ्रॉम होम के नाम पर आपको सिर्फ होटल्स को रेटिंग देनी है। और वो किसके नाम पे? ट्रिप एडवाइज़र के नाम पे। उसकी भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं जाकर के। तो ट्रिप एडवाइज़र के नाम पे उनको अप्रोच किया गया। शुरुआत में कुछ लाइक्स के बदले, कुछ रिव्यूज़ के बदले उनको 700 से 800 रुपये उनके खाते में पे कर दिए गए। उसके बाद उनके साथ वही गेम शुरू हुआ, 10,000 रुपये डिपॉजिट कर दीजिए, उन्होंने कर दिए। उसके एवज में उनको 17,000 रुपये का रिटर्न मिल गया। 17,000 रुपये का रिटर्न मिलने के बाद उनको फिर से कहा गया कि अब आपको 20,000 रुपये का गेम खेलना है। उन्होंने 20,000 रुपये का भी गेम खेल दिया। जब 20,000 का गेम खेला तो उनके खाते में 48,000 रुपये आ गए, यानी कि एक दिन में उन्होंने इतना रेवेन्यू बना लिया, इतना इनकम बना लिया खाली रिव्यूज़ दे करके, और उनके खाते में पैसे भी आ गए। अब अगर 48,000 रुपये का रिटर्न आपके पास आता है 20,000 रुपये लगाने के बाद, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? यही आएगा ना
कि लेट्स कंटिन्यू दिस, आपको मजा आने लगेगा। अगले दिन भी वो रिसेप्शनिस्ट आपको अप्रोच करती है और आपसे कहती है कि सर कैन वी स्टार्ट दिस गेम। आप बोलोगे बिल्कुल, आप तो इंतजार कर रहे थे रात भर से ताकि आप लाखों करोड़ों कमा सको। अगले दिन सुबह फिर से वही खेल शुरू हुआ, 10,000 रुपये उन्होंने लगाए, उसके एवज में उनको फिर पैसे मिले। फिर उन्होंने 20,000 रुपये लगाए, उसके एवज में फिर से पैसे मिले। उसके बाद उन्हें बताया गया कि अब आपका जो बैलेंस है वो -50,000 हो गया, यानी कि अब जो आपको इन्वेस्ट करना है वो 50,000 इन्वेस्ट करना है। जब आप 50,000 इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एक एक्स अमाउंट मिल जाएगा। अब इनके पास तो 50,000 रुपये थे नहीं, तो इन्होंने क्या किया, अपने दोस्त से 10,000 रुपये उधार ले लिए। उधार लेने के बाद इन्होंने वो जो पैसा था 50,000 रुपये वो वहाँ पर जाके लगा दिया। अब वहाँ 50,000 लगाने के बाद उनको पता चला कि उनको और पैसे जमा करने हैं। कितने जमा करने हैं, 1,40,000 रुपये। अब उनके पास 1,40,000 तो थे नहीं, क्योंकि 50,000 को पूरा करने के लिए ही उन्होंने 10,000 रुपये कहीं से उधार लिए थे अपने मित्र से। तो 1.5 लाख न होने की वजह से, 1,40,000 न होने की वजह से उन्होंने इस गेम को वहीं पर क्विट कर दिया। क्विट करने के बाद जब उन्होंने अपनी पूरी कैलकुलेशन बढ़ाई कि पिछले दिन और आज के सारा जो हम अपना अगर ट्रांजेक्शन देखेंगे तो मैं अभी भी 30,000 रुपये के लॉस में हूँ, जो कि मेरी जेब से लग गए। अब चूंकि दोस्त के पैसे तो देने ही थे, तो उन्होंने कहीं से अरेंज करके दोस्त के पैसे 10,000 रुपये दोस्त को दे दिए। ये घटना कब की है, फरवरी की है। लेकिन 1 अप्रैल को क्या होता है, उनका अप्रैल फुल बन जाता है, यानी कि उनकी जो दोनों अकाउंट्स थे, एक SBI जिसके थ्रू उन्होंने पैसे लिए और दिए थे, और दूसरा BOB का अकाउंट था जिसमें कि उन्होंने पैसे लिए और दिए थे, ये दोनों ही अकाउंट होल्ड पे डाल दिए गए। वो बैंक पहुंचे, बैंक जाने के बाद जब उनसे पूछा कि भैया किस बात के लिए होल्ड लगाया है, तो उन्होंने कहा इसके लिए आपको साइबर सिक्योरिटी में जाना पड़ेगा, आप साइबर कंप्लेंट हुई है आपके अगेंस्ट में, जिसकी वजह से आपके अकाउंट्स होल्ड पर डाल दिए गए। और यही नहीं, जिस मित्र को इन्होंने 10,000 रुपये पे किए थे, क्यों, क्योंकि उधार लिया था ना उससे, उसका भी अकाउंट जिसकी कि इस पूरी घटना से कोई संबंध नहीं था, वो भी बंद कर दिया गया, होल्ड लगा दिया गया। अब जब वो दोस्त बैंक जाता है और अपने खाते के बारे में पता करता है, तो वहाँ भी उसे यही जानकारी मिलती है कि आपको साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में जा करके ही इसकी डिटेल्स मिलेगी, हम इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, अब इस अकाउंट में जो 47,000 रुपये प्लस का जो आपने अभी देखा कि माइनस में है, वो इसलिए है क्योंकि इनके खाते में सिर्फ 500 रुपये थे, और इनको जो 48,000 रुपये का रिटर्न पिछले दिन आया था, वो जिसने भी दिया होगा इनको, ठीक है, उसने जब साइबर कंप्लेंट की, अपनी UPI IDs भेजी कि हमने इस UPI IDs में ये पैसे भेजे हैं, तो किसका अकाउंट ब्लॉक हुआ, इनका अकाउंट ब्लॉक हुआ। कितना पैसा माइनस में गया, -48,000 रुपीज। वो पूरा का पूरा पैसा जो किसी और विक्टिम ने एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे लगाया था, लेकिन आपको मिला रिटर्न के तौर पे। जैसा कि मैंने आपको पूरा कैलकुलेशन समझाया था कि जो भी ये पैसा आ रहा है स्टार्टिंग का, वो आपस में विक्टिम्स ही एक दूसरे को दे रहे हैं, ना कि इसमें किसी भी तरह से स्कैमर इन्वॉल्व है। यानी कि एक दूसरा विक्टिम भी खेल रहा था और आप भी खेल रहे थे। आपने जब 10,000 रुपये लगाए तो वो किसको दिए, आपने किसी दूसरे विक्टिम को दिए। किस तौर पे दिए, उसका वो प्रॉफिट है, आपका इन्वेस्टमेंट है, उसका वो रिटर्न था। ऐसे ही जो 48,000 रुपये आपको मिले थे, वो किसी का इन्वेस्टमेंट था। जब उसको पता चला होगा कि वो ठगा गया है, जो कि फरवरी की घटना थी, उसने साइबर कंप्लेंट में कंप्लेंट डाली होगी, तो साइबर पुलिस ने क्या किया, इनका अकाउंट सीज करा दिया, इनके अकाउंट में लीन लगा दिया और इनके अकाउंट से बैलेंस को माइनस कर दिया गया। तो अगर इनके अकाउंट में 48,000 रुपये होते, तो वो 48,000 रुपये माइनस हो गए होते। चूंकि इनके अकाउंट में 500 रुपये थे, इसलिए -47,000 रुपीज में दिखा रहा है। अब यहीं पर जो दूसरा विक्टिम जिसने कंप्लेंट की थी, उसके पास साइबर डिपार्टमेंट से एक मैसेज जाता है। क्या मैसेज जाता है, कि योर अमाउंट ऑफ 48,000 रुपीज इज ऑन होल्ड। उसको ये लग रहा है विक्टिम को कि अरे मेरा पैसा होल्ड पे हो गया, मतलब कुछ उम्मीद है कि पैसा मिल जाएगा। लेकिन रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि इनके अकाउंट में -47,000 दिखा रहा है। समझ रहे हो आप बात, पैसा इनके पास भी नहीं है, लेकिन जिस विक्टिम ने कंप्लेन की थी, उसको लग रहा है कि भैया पैसा मेरा होल्ड पे हो गया है, एक उम्मीद बन गई है कि मुझे पैसा वापस मिल जाएगा। अगर इनके अकाउंट में पैसा होता तो शायद वो पूरा पैसा ब्लॉक हो चुका होता, करेक्ट। लेकिन इनके अकाउंट में चूंकि पैसा ही नहीं है, तो ये -47,000। सिमिलरली इनके SBI अकाउंट के साथ में हुआ, सिमिलरली इनके दोस्त के अकाउंट्स के साथ में हुआ, क्योंकि बैंक जब इन्वेस्टिगेट करती है, पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करती है, तो ये देखती है कि जो स्कैमर है, चूंकि अभी इनको स्कैमर कंसीडर किया जा रहा है, चूंकि ये स्कैमर है
और इन्होंने पैसा आगे किसको दिया, कहां से लिया, कहां पर गया, मतलब उस पूरी कड़ी को बैंक्स क्या होती हैं, वो लेन लगा देती हैं, उस पूरी कड़ी को जो है वो रोक देती हैं आगे किसी ट्रांजेक्शन के लिए। अब एक गलती भाई साहब की क्या थी कि इनके साथ जब फ्रॉड हुआ तो वो 30,000 रुपये का फ्रॉड था और वो मन मार के रह गए, ना तो उन्होंने कहीं कंप्लेंट की इसके बारे में, ना किसी को बताया। अगर इन्होंने फैब में ही कंप्लेंट कर दी होती साइबर क्राइम की पोर्टल में, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, जैसा कि मैं हर कमेंट्स में बताता हूँ, जैसा कि मैं मेल भेजने वाले को बताता हूँ कि सबसे पहला काम, चाहे आपका 3,000 का लॉस हुआ हो, चाहे 1,000 का लॉस हुआ, 10,000 का लॉस हुआ है, आप इमीडिएटली इस घटना को वहां जाकर रिपोर्ट कीजिए। कारण क्या है? कारण ये है कि आपके अकाउंट में जो पैसे आए हैं वो भी इलीगल हैं, और जो पैसे आपने आगे दिए हैं वो भी, जिसको दिए हैं वो भी एक विक्टिम है, तो उसके लिए आप एक स्कैमर के तौर पर गिने जाएंगे। और आप सोच रहे हो कि आपके साथ चीटिंग हो गई है और आपने स्कैमर को पैसे दे दिए, बात समझ में आ गई है? चलो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आपका फ़ोन चोरी होता है तो आप थाने में जाकर के अपने सिम की चोरी की शिकायत क्यों करते हैं? अगर आपकी बाइक चोरी होती है तो आपसे क्यों कहा जाता है कि आप बाइक चोरी की शिकायत दे दीजिए? उसका सिर्फ एक ही कारण है कि अगर आपकी बाइक का इस्तेमाल किसी इलीगल एक्टिविटी के लिए हो रहा है तो कम से कम आपके पास एक रिसिप्ट है कि मैंने तो फला तारीख को ही रिपोर्ट कर दिया था कि मेरी बाइक चोरी हो चुकी है, तो उसके बाद की कोई भी जो घटना है उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। यहाँ पर भी वही केस है। अगर इन्होंने फेब में ही कंप्लेंट किया होता, इन्होंने वहां बताया होता साइबर क्राइम को जाकर के कि मेरे साथ इस तरह का फ्रॉड हुआ है, तो आज कम से कम ये जवाब देने लायक बनते। अब अगर ये कंप्लेंट दर्ज कराने जाते हैं तो यही माना जाएगा कि भैया तुम तो स्कैमर थे, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट हुई तो तुम आज आकर के यहां पर साइबर कंप्लेंट कर रहे हो। समझ रहे हो आप बात को? हालांकि अभी भी सॉल्यूशन वही है, लेट हो गया है, लेकिन चूंकि आपके पास सारे प्रूफ्स हैं तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अगर आपका 3,000 रुपये भी गया है, मैं कहता हूँ 2,000 रुपये भी गया है, तो वो WhatsApp जिससे कि आपको इनिशियल जो आपने कन्वर्जेशन की थी उसके सारे स्क्रीनशॉट्स, स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स, इसके अलावा जो आपने टेलीग्राम में किया, जो रिसेप्शनिस्ट से बातें की, और वो ग्रुप जिसके अंदर आप एक्टिव हैं, आपका पैसा ठगा जा चुका है लेकिन वो आपको तब तक नहीं निकालते जब तक कि आपसे और पैसे लेने की उम्मीद उन्हें होती है, तो इमीडिएटली आप उसके स्क्रीनशॉट उठाइए, उसके वीडियोज़ बनाइए। ज़्यादातर लोगों के पास वो सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, क्योंकि क्या होता है अगर आप प्रीपेड टास्क नहीं खेलते हैं तो वो आपको ग्रुप से निकाल करके बाहर कर देते हैं, तो उस केस में आप वो ग्रुप ढूंढ भी नहीं पाएंगे ग्रुप कहाँ है। लेकिन जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप अपने पास रख सकते हैं प्लीज़ अपने पास रखिए, और मैं आपसे अपील करता हूँ कि चाहे आपका छोटा अमाउंट ही गया हो आप उसको ज़रूर रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि बाद में क्या हो सकता है जो मैंने आपको बताया। अब इस तरह से उनका अकाउंट होल्ड कर दिया गया है, आगे क्या होता है जानकारी मिलेगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन ये तो बात पक्की है कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है और हो सकता है इन्हें थाने बुलाया जाए, इनसे इनका पक्ष भी जाना जाए। अब वो दोस्त बेचारा जिसकी कोई गलती नहीं थी वो आज इनको डांट रहा है, इनके ऊपर गुस्सा कर रहा है कि यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, मेरे अकाउंट में इतने पैसे थे वो भी सारे ब्लॉक हो गए। जो लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि उन्होंने पैसे कमा लिए स्कैमर से, उनसे भी भैया विनती है, बार बार कहता हूँ, एक आध वीडियो में मैंने पहले कह दिया था कमा लो, क्योंकि तब तक मुझे इनके पूरे तंत्र की जानकारी नहीं थी, उसके बाद के लगभग सभी वीडियोज़ में मैं ये कह रहा हूँ कि 150 रुपये लेना भी पाप है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, टेलीग्राम प्रीपेड टास्क स्कैम को देखते ही उससे दूरी बना लें, दोस्तों को अवेयर करें, सबको बताएं, सबको ये समझाएं कि ये टेलीग्राम टास्क स्कैम जो है ये कितना घातक है और ये आपके लिए कितनी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। हो सकता है कि इनके साथ कोई कार्रवाई ना हो, क्योंकि ये अपनी प्रूफ्स तो दिखाएंगे ही, आज भी इनके पास प्रूफ्स हैं, लेकिन मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ेगा। अब आपने कभी थाना नहीं देखा, आपने कभी पुलिस से डील नहीं किया, आप खुद ही डरे हुए रहते हो, इन्होंने 30,000 की कंप्लेंट क्यों नहीं की थी? इसीलिए तो नहीं की थी कि चलो छोड़ो यार, कौन पड़ेगा इस झमेले में, पुलिस के झमेले में कौन पड़ेगा, कौन जाके बैंकों के चक्कर काटेगा, इस चक्कर में 30,000 रुपये आप भूल गए। लेकिन आज 2 महीने बाद क्या हो रहा है, वापस से वही सारी परेशानियाँ खड़ी हो रही हैं। तो आपको एक साइबर कंप्लेन तुरंत करनी है, नहीं करनी आती है मैं बता दूंगा, मुझसे संपर्क कर लो, वीडियो देख लो, ठीक है? शुरू शुरू में तो मैंने कुछ नहीं डाले, वहां से मिले थे मेरे को 800-850 रुपये, वो मूवी रेटिंग के। हाँ, वो मूवी का ही था ना आपका? नहीं, वो होटल वाला, होटल। अच्छा, अच्छा, ट्रिप एडवाइजर वाला क्या? हाँ, ट्रिप एडवाइजर। अच्छा, फिर आपने, आपको 800 आ गए रिव्यू करने के, उसके बाद क्या हुआ? फिर उन्होंने बोला कि 10 डाल
डालो तो फिर 17 मिलेंगे। हाँ आपने 10 डाल दिए। हाँ 10 डाल दिए फिर 17 मिल गए मेरे को। ठीक है फिर मैंने 10 और डाले, उन्होंने बोला कि और मिलेंगे, तो फिर मैंने 10 और डाल दिए। ठीक है तो फिर माइनस में गए उसमें 20,000। मतलब माइनस में उस प्लेटफॉर्म पे माइनस दिख रहा था जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे थे। अच्छा उस प्लेटफॉर्म में। हाँ हाँ समझ गया समझ गया समझ गया। ठीक है फिर मैंने 30 करवा दिए। हाँ तो हो गए टोटल 30। ठीक है मेरे को मिल गया 48। अच्छा 48 आपके बैंक अकाउंट में आ गए ना, यही पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा बैंक अकाउंट में आ गए। ओके हाँ फिर मैंने 10 और डाले। ठीक है दूसरे दिन 10 डाले तो फिर फिर माइनस में चले गए 50,000। नहीं पहले दिन तो 10 डालने पे माइनस 20,000 हुआ था ना, दूसरे दिन 50,000 हो गया। हाँ नहीं दूसरे दिन में तो आ गए थे ना। हाँ। दूसरे दिन तो 20,000 माइनस हुआ था। हाँ हाँ 48 आ गए थे फिर मेरे। हाँ 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 फिर माइनस हुआ था 50,000। ठीक है चौथे दिन डाले फिर 50,000 मैंने डाल दिए। अच्छा फिर माइनस हो गए 1,00,000 रुपए से माइनस हो गए। फिर मैंने जमा नहीं कराया तो मतलब मैंने 50 डाले ना तो उसमें से 20 तो उन्हीं के थे, मतलब जो उन्हीं से मिले थे। हाँ करेक्ट। और 30 मेरी तरफ से लग गए। हाँ वो लग गए। और फिर क्या नाम ये 1 तारीख को ही अकाउंट में माइनस हो गए। ओके तो आपने बैंक से पूछा, बैंक ने क्या बोला? हाँ बैंक में पूछा, उन्होंने बोला कि साइबर क्राइम में जाओ ये। नहीं बैंक वालों ने नहीं बताया कि हमने माइनस में क्यों डाल रखा है। हाँ उन्होंने बताया कि ये कुछ किया था क्या, कि हाँ मैंने कुछ किया था वो ऐसे साथ वगैरह। हाँ फिर उन्होंने बोला कि साइबर का है। हाँ साइबर ब्रांच में जाओ। आपने जो शुरू में 10,000 रुपए पे किए थे या फिर दोबारा आपने जो 20,000 पे किए थे या उसके अगले दिन आपने जो 50,000 पे किए थे, वो आपने कैसे और किसको पे किए थे? मतलब उन्होंने वो अकाउंट नंबर दिए थे उनको पे किया। हाँ तो वो अकाउंट नंबर आपने ध्यान दिया था किसके थे, गौर किया था आपने किसके थे? बिजनेस अकाउंट थे। बिजनेस अकाउंट थे, पर्सनल अकाउंट भी था उसमें कोई? पर्सनल अकाउंट उनके स्क्रीनशॉट है मेरे पास नंबर। हाँ जैसे शुरू में जो आपने पेमेंट की होगी 10,000 वाली, ये क्या कोई पर्सनल अकाउंट से आई को की थी या कैसे किया था आपने, या आपने केवल ये सारे अकाउंट मर्चेंट अकाउंट ही थे? किया था फोन पे से। अच्छा UPI से किया होगा आपने? IFC कोड डाल के वो डाल के और उन सब। अच्छा ठीक है तो आपको जो रिसीव हुआ था पैसा वो तो आपको पता नहीं कि कहाँ से आया और आपने पता नहीं कहाँ से आया। और आपने जितनी बार भी पे किया होगा सब अलग अलग लोगों को पे किया होगा राइट? हाँ सर। आपके अकाउंट में कितना था स्टार्टिंग में? 520 रुपए थे उसमें। हाँ तो ये आपने जो 48,000 जिसने आपको पे किए हैं उसने कंप्लेंट की है, तभी आपका 500 और माइनस 47,000 समथिंग जो भी है, तो टोटल मिला के जो 48,000 होता है, ये पूरा एग्जैक्ट कैलकुलेशन है। SBI से डिपॉजिट किया था तो मेल आया था मेरे को। नहीं तो क्या मेल किया था SBI ने आपको? ये आया था मेरे को, डियर कस्टमर होल्ड एजेंट प्लेस ऑन योर अकाउंट फॉर 32,500 फॉर द रीजन साइबर क्राइम। उसमें कुछ माइनस किया है क्या उन्होंने? कुछ माइनस तो नहीं किया लेकिन जीरो बता रहा उसने पहले। उसमें था कुछ पहले बैलेंस आपका? नहीं कुछ नहीं था, 10-12 रुपए थे। 10-12 रुपए थे। वैसे नहीं किया भी, मतलब 30,000 कट हो गया तो ये तो कर लेंगे वैसे कुछ, लेकिन फिर माइनस में गया ना तब मेरे को लगातार। हाँ मतलब शुरुआत में आपने सोचा कि चलो 30,000 है हाँ चलो आराम से कर लेंगे। सर मेरी सबको ये सलाह है कि अगर आपका 500 रुपया भी गया है, 1,000 रुपया भी गया है, 2,000 भी गया है, 5,000 भी गया है, चाहे छोटा अमाउंट हो चाहे बड़ा अमाउंट हो, कभी भी साइबर कंप्लेंट करने से नहीं चूकना है। सबसे पहला काम वही करना है, क्योंकि मैंने जो एग्जांपल दिया, चाहे बाइक चोरी का हो चाहे सिम चोरी का हो, सब में यही होता है, पहले सबसे पहले दोषी आप माने जाओगे, जो कि अभी देखा जाए तो हो ही रहा है। आपके दोनों बैंक अकाउंट लीन लगे हुए हैं, होल्ड लगे हुए हैं, और साथ में इन्वेस्टिगेशन तो पक्की होनी ही होनी है, चाहे अभी हो चाहे महीने भर बाद हो, वो जैसा भी होगा वो तो खैर मुझे नहीं जानकारी इसकी, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन होगी आपसे पूछा जाएगा। तो आपको सिर्फ एक काम करना है, सारा अपना स्क्रीनशॉट रखिए और वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए रखना ही है, साथ में अभी आप साइबर कंप्लेंट में कंप्लेंट कीजिए, 1930 पे कॉल करेंगे तब भी हो जाती है,
और अगर आप चाहें तो उसमें उठाते हैं, नहीं उठाते हैं, तो काट देते हैं कोई। हाँ नहीं, वो होता है, मुझे पता है 1930 में कई बार होता है कि फोन नहीं लगता, लेकिन जो cybercrime.gov.in है उसमें आप कर सकते हो। कई एक आध बार उसमें भी ऐसा होता है कि रिफ्रेश हो जाता है पेज या कोई थोड़ा टेक्निकल कुछ इश्यूज आ जाते हैं, बट थोड़ी मेहनत करके आप कर लोगे। स्टार्टिंग में कुछ करना नहीं है आपको, वही लॉगिन आईडी के लिए अपना ईमेल आईडी फोन नंबर डालोगे, ओटीपी आएगा, रजिस्टर कर लोगे, अंदर जाइए, फाइनेंशियल फ्रॉड में कंप्लेंट फाइल कीजिए, वहां पर आता है ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड, उसमें सेलेक्ट करने के बाद नीचे ऑप्शन होता है यूपीआई रिलेटेड फ्रॉड या फिर बैंक। हाँ जी सर बताइए। क्या नाम से जो मेरे दोस्त के मैंने 10,000 लिए थे जब डालने के लिए उधार, हाँ तो उसके भी माइनस में हो गया। हाँ उसके अकाउंट में अच्छा, मतलब फिर मैंने वापस कर दिए उससे, तो उसके भी माइनस में हो गया। मतलब आपके दोस्त ने आपको बैंक में ट्रांसफर किया था? हाँ, मेरे फोन पे भेजा था उसने। आपके फोन पे पे आपने दोस्त ने ट्रांसफर किया था? हाँ दिया, वो ये ना लिया। हाँ मेरे पे 10,000 दिए थे जो मैंने उसको 10,000 दिए, बस वो कुछ नहीं किया। हाँ मतलब आपने उससे लिया और आपने उसको वापस किया, तो जो आपने लिया है मुझे लगता है उसकी प्रॉब्लम नहीं है, जो आपने उसको वापस दिया है ना उसकी प्रॉब्लम है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि जो बैंक में लीन लगाई जाती है देखा जाता है कि उसको पैसे कहाँ से आए हैं और प्लस उसने किसको पे किए हैं, ये दोनों चीजें देखी जाती हैं। क्योंकि ये अगर आप मान लीजिए कि स्कैमर है कोई, मान लीजिए आप तो चलो विक्टिम है, लेकिन आपकी जगह कोई स्कैमर होता तो ये माना जाता कि ये स्कैमर ने आगे पैसा कहाँ खर्च किया। अगर उसने किसी दुकान से भी शॉपिंग की होती है ना तो उस दुकान के ऊपर भी कार्रवाई होती है बेसिकली। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और शेयर करके आप किसी न किसी की मेहनत की कमाई को ज़रूर बचा सकते हैं, तो वो ज़रूर कीजिएगा।